हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास दिस इज डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्लीज वर्कशीट वर्कशीट नंबर 22 एंड इट इज ओनली फॉर क्लास 8 स्टूडेंट्स इट हैज टेकन फ्रॉम द सब्जेक्ट इंग्लिश एंड वी विल लर्न एंड अंडरस्टैंड द टॉपिक वर्ब इन दिस वर्कशीट सो स्टूडेंट्स आज की इस वर्कशीट में हम ग्रामर का एक टॉपिक वर्ब सीखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब हम इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं पढ़ते हैं लिखते हैं तो उसमें वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है तो विदाउट वेस्टिंग आर टाइम लेट स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी बिल्कुल आसान है आपको समझ में कुछ दिक्कत नहीं आएगी तो देखते हैं एक बार कि आखिर वर्ब होता क्या है भाई हम हिंदी में क्रिया के बारे में पढ़ते हैं ना क्रिया का मतलब कोई काम करना जैसे कि इस समय मैं बोल रहा हूं आई एम स्पीकिंग आई एम टीचिंग और आप क्या कर रहे हैं आप सुन रहे हैं तो यू आर लिसनिंग तो आप सुन रहे हैं तो सुनना भी एक काम है बस यही वर्ब है समझ गए तो एक बार देख लेते हैं डेफिनेशन वर्ब्स आर डूइंग वर्ड्स यानी जिन भी वर्ड्स से हमें पता चलता है कि कुछ काम हो रहा है उनको हम डूइंग वर्ड्स कहते हैं उन्हें हम वर्ब कहते हैं उनका नाम है वर्ब नाम याद रख लेना वर्ब द वर्ब रिप्रेजेंट्स द एक्शन और द स्टेट ऑफ द थिंग यानी जो वर्ब है वो एक्शन के बारे में हमें बताती है या वो जो थिंग है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो किस अवस्था में उसके बारे में जैसे हम बोलते हैं कार इज मूविंग अब कार कैसी अवस्था में चल रही है तो कुछ ना कुछ तो उसमें एक्शन हो रहा है ना तो जो भी काम हो रहा है जो भी वर्ड हमें बता रहे हैं कि कुछ काम हो रहा है तो वो वर्ब कहलाते हैं एग्जाम्पल्स फॉर वर्ब्स इन सेंटेंसेस जैसे रीमा टीचिज मैथ्स यानी रीमा जो है वो मैथ्स पढ़ाती है अब पढ़ाती है पढ़ाती है क्या हो गया वर्ब हो गया इसलिए हमने इसको अंडरलाइन कर दिया सेकेंड इज डोरा इज राइटिंग अ नावल अबाउट फॉरेस्ट लाइफ डोरा फॉरेस्ट लाइफ के बारे में एक नावल लिख रही है अब लिख रही है राइटिंग तो ये क्या है दिस इज वर्ब यानी ये जो वर्ड है टीचेज मै राइटिंग ये क्या है ये हमें बता रहा है कि कुछ ना कुछ हो रहा है कुछ एक्शन हो रहा है तो इसलिए हमने उसको बोला ये वर्ब है थर्ड इज यू गो टू दार्क एवरी डे यानी आप हर दिन पार्क जाते हो अब गो जो गो वर्ड है जाना एक एक्शन है काम है तो ये क्या है वर्ब है समझ में आ रहा है अब ये वर्ब जो है टाइप कुछ टाइप्स की होती है यानी अलग अलग तरीके की होती है जैसे कि टाइप्स ऑफ वर्ब्स कौन कौन सी फर्स्ट इज हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या होता है जो वर्ब से पहले लगती है और उसकी हेल्प करने के लिए लगती है जैसे

टेंस बनाने के लिए अब पहले तो हमें वर्ब समझ में आनी चाहिए कि वर्ब क्या है फिर टेंस समझ में होती है टेंस समझ में आनी चाहिए कि भाई वो काम किस समय हो रहा है हो चुका या हो रहा है या होगा तीन चीज़ें ही होती हैं टाइम फ्रेम तो तीन तरीके के हैं या तो वो काम खत्म हो चुका पिछले दिन ही या इस समय हो रहा है या आगे आने वाले दिनों में होगा तो अब टेंस को बनाने के लिए उस समय को बताने के लिए हम जिस वर्ब के साथ जो वर्ड यूज़ करते हैं उसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं और उससे पता चलता है कि वो उस हेल्पिंग वर्ब से कि वो किस समय काम हो रहा है जैसे फॉर एग्जाम्पल अनु इज नॉट प्लेइंग विद मी तो अनु मेरे साथ नहीं खेल रही है तो जो इज है इज क्या है हेल्पिंग वर्ब है प्लेइंग तो वर्ब है ही पहले प्लेइंग तो वर्ब है क्योंकि वो बता रहा है कि काम हो रहा है भाई वो खेल खेल रही है या नहीं खेल रही है लेकिन ये जो इज लगाया है ना इससे मतलब पता चल रहा है कि वो मेरे साथ नहीं खेल रही है यानी इस समय नहीं खेल रही है वे एक घंटे के लिए काम कर चुके वो एक घंटे का काम कर चुके दे हैव वर्क फॉर एन आर अब कर चुके यानी काम तो पूरा हो गया अब पिछले दिन का भी हो सकता है अब जो चल रहा है इससे पहले वाला भी हो सकता है तो ये हमें पास टेंस के बारे में बता रहा है है ना ये जो हैव हैव से हमें पता चल रहा है कि समय का काम है काम तो हमें पता है वर्क काम हुआ वर्क कर रहे हैं लेकिन जो हैव लगाया जो ऊपर वाले सेंटेंस में इज लगाया उससे हमें उस समय का पता चल रहा है तो इसको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्क सेकेंड इज मेन वर्ब जो कि अभी हमने कराई है ऑल द वर्ब्स विच एक्सप्रेस एक्शन आर द मेन वर्ब्स जो भी एक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है जिसके बारे में अभी हमने सबसे पहले स्टार्टिंग टॉपिक में ही बोला उसको हम मेन वर्ब भी कहते हैं वर्ब भी बोलते हैं मेन वर्ब भी बोलते हैं और हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको सिखाई दिया जैसे प्ले रीड राइट वॉच शो कुक इनका मतलब बताऊँ प्ले का मतलब खेलना रीड का मतलब पढ़ना राइट का मतलब लिखना वॉच का मतलब देखना शो का मतलब दिखाना कुक का मतलब पकाना स्टार्ट का मतलब शुरू करना स्लीप का मतलब सोना रन का मतलब दौड़ना क्राई का मतलब रोना वीप का मतलब भी रोना दुखी होना होता है स्माइल का मतलब हंसना लॉफ का मतलब जोर जोर से हंसना गो का मतलब चलना या जाना ठीक है और वॉक का मतलब तो आप समझते हैं वॉक का मतलब भी चलना ही होता है कम का मतलब आना तो ये क्या है जितने भी एक्शन हैं जैसे मैंने अभी आपको बताया मैं तो इस समय बोल रहा हूँ आई एम स्पीकिंग तो ये भी वर्ब है आप सुन रहे हैं लिसनिंग वो भी एक वर्ब है अब आपको समझ में आया कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या चीज होती है नाउ लेट्स मूव ऑन अनादर टॉपिक द थ्री फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स आर प्रेजेंट टेंस फर्स्ट फॉर्म पास्ट टेंस सेकेंड फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म यानी देखो मैंने अभी आपको बताया ना कि हमें वर्ब से पता चल जाता है कि वो हेल्पिंग वर्ब से पता चल जाता है और वर्ब से भी पता चल जाता है उसकी फॉर्म से पता चल जाता है कि वो किस समय काम हो रहा है जैसे कि अगर वो फर्स्ट फॉर्म सिंपल वर्ब है इसका मतलब फर्स्ट फॉर्म है यानी प्रेजेंट टेंस की हम कोई बात कर रहे हैं अगर सेकेंड फॉर्म में है तो हम कहते हैं कि वो हो चुका है है ना और पार्ट पा पास्ट पार्टिसिपल जो है वो थर्ड फॉर्म होती है वो मतलब काम खत्म हो चुका है ठीक है अब जैसे हम मैं आपको बताऊं जैसे क्या है सबसे पहला जो वर्ड है वो है एड मैं आपको यहाँ शो करता हूं एड ठीक है अब इसकी सेकंड फॉर्म क्या बनेगी एडेड एड का मतलब एड करना प्रेजेंट एडिड का मतलब कर दिया एड कर दिया एडिट का मतलब भी वो ठीक है फिर बोर बोर्ड बोर का मतलब तो बोर हो रहा है और बोर्ड मतलब हो चुका है ना और कॉल का बन जाएगा कॉल्ड कॉल्ड थर्ड फॉर्म में प्रिपेयर प्रिपेयर्ड प्रिपेयर्ड ठीक है फिर दूसरा है कैंसिल नेक्स्ट है कैंसिल तो सेकंड फॉर्म में क्या हो जाएगा कैंसल्ड कैंसल्ड थर्ड फॉर्म भी कैंसल्ड वॉक फर्स्ट फॉर्म हो गई सेकंड फॉर्म क्या हो गई वॉकड ईडी लगाना वॉकड मतलब चला ठीक है या, और वॉकड का मतलब इसमें भी वो आएगा कि चल चुका फिर कीप कीप का लेकिन कीप्ड नहीं होता kept हो जाता है कैप्ट और थर्ड फॉर्म भी इसकी कैप्ट लीव लेफ्ट लेफ्ट ठीक है लीव का मतलब क्या होता है जाना और लेफ्ट का मतलब गया बी देखो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सेकेंड फॉर्म में जाके चेंज हो जाती हैं नहीं तो ज्यादातर में हम ईडी लगा देते हैं बी का क्या हो जाता है वॉज या वर और थर्ड फॉर्म में बीन ठीक है और फिर बिगिन बिगेन और बिगन थोड़ा सा अंतर है बिगिन बिगेन और बिगिन बिगन सॉरी टू का क्या हो जाता है डेड एंड डन डू डेड डन ओके तो आप आज के लिए तो इतना ही लर्न करना लेकिन आप और वर्ड्स की फर्स्ट सेकंड, थर्ड फॉर्म को धीरे धीरे जब आप याद करोगे ना तो आपके वो दिमाग में छपता चला जाएगा आपको जब भी आप उसको यूज करोगे अपने आप यूज करना आ जाएगा अब हम पास टेंस देखते हैं जरा द सिंपल पास टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट यानी सिंपल पास्ट टेंस हम वहां पर यूज करते हैं जहाँ को इस काम को दिखाते हैं किसी ऐसे काम को जो कि पास्ट में कंप्लीट हो चुका चाहे वो पिछले पिछले घंटे में हो चुका पिछले दिन में हो चुका पिछले साल हो चुका तो लेकिन कंप्लीट हो चुका कोई काम तो हम उसके लिए सिंपल पास टेंस यूज करते हैं अब इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या बनता है देखो जैसे सिंपल सेंटेंस हमें पास टेंस में बनाना है तो हम सब्जेक्ट लिखेंगे पहले फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म को यूज़ करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल आई सब्जेक्ट हो गया सौ सौ किसकी सेकेंड फॉर्म है सी की हिम यानी मैंने उसको देखा सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट फिर इसके बाद ये तो हुआ सिंपल सेंटेंस की बात अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो हम क्या करते हैं सब्जेक्ट लिखते हैं यानी जिसके बारे में बात हो रही है ठीक है सब मेन पर्सन जो है वो सब्जेक्ट है फिर हम डिड नॉट का यूज करते हैं और साथ में वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट से रिलेटेड बात होती है ठीक है जैसे आई डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई सी हेम मैंने उसको नहीं देखा ठीक है ही डिड नॉट उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू द मार्केट यानी वह मार्केट नहीं जाता मतलब नहीं गया है ना वह मार्केट नहीं गया ही डिड नॉट गो टू द मार्केट वह मार्केट ही नहीं गया उसके बाद अगर हमें ये तो नेगेटिव की बात है कि हम डिट नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और इस तरह से सेंटेंस लिखते हैं पास टेंस में फिर अगर हमें इंटेरोगेटिव यानी क्वेश्चन मार्क वाला कोई क्वेश्चन पूछना हो पास टेंस में तो हम क्या करते हैं सिर्फ डिट को सबसे पहले लगाते हैं फिर सब्जेक्ट आता है फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और फिर ऑब्जेक्ट अगर आप इस चीज़ को ध्यान में रख लेंगे आपके सेंटेंस फॉर्मेशन कभी गलत नहीं होगी अब हम प्रैक्टिस करते हैं उससे आपको और समझ में आएगा नाउ मेक सेंटेंसिस इन द सिंपल पास्ट टेंस अब आपको क्या करना है इन एक्सरसाइज जो है इन सेंटेंस के थ्रू अब हम, हम समझेंगे कि पास्ट टेंस को आखिर हम यूज कैसे करते हैं जैसे आई डैश योर फादर यस्टरडे तो ये से एक सिंपल सेंटेंस है तो सी का क्या बन जाएगा सौ सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी सौ आई सौ योर फादर यस्टरडे यानी मैंने कल तुम्हारे पिताजी को देखा उसके बाद ही डैश नथिंग अबाउट योर से से इज द वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आप क्या कर दोगे सिंपल इसको सेकेंड फॉर्म में चेंज कर दोगे ही सेड नथिंग अबाउट योर प्लांट्स यानी उसने तुम्हारे प्लांट्स के बारे में कुछ भी नहीं बताया फिर इसके बाद नेक्स्ट है देखो इसमें लिखा हुआ नॉट टीच यानी एक नेगेटिव सेंटेंस है तो हम यहां पे क्या लिखेंगे सुरेश बेस्ट डिड नॉट डिड नॉट और टीच यहां पे मैं लिख दू एक मिनट यहां थोड़ा सा ऊपर करके लिख रहा हूं मैं यहाँ पर डिड नॉट टीच हिंदी यानी सुरेश बिस्ट ने हमें हिंदी नहीं पढ़ाई फिर इसके बाद ये एक सिंपल सेंटेंस है वी स्टार्ट इन द मॉर्निंग स्टार्ट की फर्स्ट फॉर्म है तो हमें सेकेंड फॉर्म में चेंज करना है वी स्टार्टेड स्टार्टेड इन द मॉर्निंग यानी हमने मॉर्निंग में स्टार्ट किया फिर उसके बाद आई और यहां लिखा है नॉट अंडरस्टैंड तो वही नेगेटिव सेंटेंस है तो हमें डिड नॉट लगाना है डिड नॉट अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड अ वर्ड यानी मुझे एक भी वर्ड समझ नहीं आया उसके बाद है सुशील ये सिंपल सेंटेंस है तो गो का क्या आ जाएगा तो गो का हो जाता है वेंट ठीक है सुशील वेंट टू द मूवीज विथ हिज फ्रेंड्स यानी सुशील अपने फ्रेंड्स के साथ मूवीज गया उसके बाद है शी डैश अ पिज्जा ऑर्डर फर्स्ट फॉर्म है सिंपल सेकेंड फॉर्म लगा दो तो, ऑर्डर्ड ऑर्डर्ड डी लगा के शी ऑर्डर पिज्जा उसने पिज्जा ऑर्डर किया अब ये एक कैसा सेंटेंस है क्वेश्चन मार्क वाला है तो हमने क्या करना था शुरू में हमने डेड निकालना है बाहर डी आई डी डेड यू वेट तो सिंपल वही वेट ही आएगा मैंने बताया था जब भी क्वेश्चन मार्क हो या नेगेटिव हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है डिड यू वेट फॉर हिम फॉर टू आवर्स क्या आप उनकी वेट पिछले दो आर से आपने की पिछले दो घंटे से किया आपकी तो इस तरीके से हमें सेंटेंस बनाना है सो नाउ देट सॉल्व फॉर दिस वर्कशीट अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिए शेयर का बटन दबा दीजिए और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशन मिल जाए बट टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें जिसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए बट रिमेंबर वेन एवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज वियर योर मास्क और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच